and welcome back to my channel Styling Tips by Pooja. This is me your Pooja and welcome back to another exciting video guys. तो सबसे पहले तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि लंबे बालों में मैं कैसी लग रही हूँ. मुझे पर्सनली मतलब काफ़ी दिन हो गए हैं लंबे बालों में खुद को देखे हुए, तो मुझे ये अमेजिंग लग रहा है. तो आप भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपना राय दीजिएगा कि कैसी लग रही हो या फिर क्या नहीं. और अगर आप सोच रहे होंगे कि पूजा ने ये हेयर एक्सटेंशन कहाँ से लिया है, तो अभी तक आपने अगर मेरी पिछली वाली अमेजन हॉल नहीं देखा है जहाँ पे मैंने शेयर किया है कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि मस्ट बाय है फ्रॉम अमेजन एंड अफोर्डेबल बजट में, तो आप वो वीडियो देख सकते हो. मैं आई बटन पे दे दूंगी. तो चलो आज की वीडियो इसी से स्टार्ट करते हैं. लेकिन वीडियो में जाने से पहले अगर पहली बार आए मेरे चैनल पर देन प्लीज टू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू लाइक द कॉन्टेंट एंड प्रेस द बेल आइकन बिसाइड द सब्सक्राइब बटन. यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माय सोशल मीडिया. आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. So without further ado, let's get started. जब से मैंने आप लोगों के साथ Amazon haul शेयर करना स्टार्ट कर दिया है, सबसे ज्यादा मुझे रिक्वेस्ट इस चीज का आया था कि दीदी प्लीज एक हील की हॉल शेयर करो. मैं खुद इतना मतलब हील तो नहीं पहनती हूँ, तो बहुत टाइम सोचने के बाद मैंने कहा कि चलो ठीक है इस बार कुछ हील्स में वहाँ से खरीदती हूँ एंड आप लोगों के साथ मेरी एक्सपीरियंस या फिर प्रोडक्ट कैसी होगी ये वो कैसा होगा. अगर आप मेरी रिकमेंडेशन चाहते हो कि किस तरीके की हील्स आप लो तो वो शेयर करो. एंड फाइनली आज की वीडियो में मैं वही शेयर करने वाली हूँ. मेरे पास यहाँ पे आज काफ़ी सारे हील्स हैं जिसकी एक एक करके मैं रिव्यू दूंगी, साथ ही साथ आप लोगों को एक आइडिया भी मिल जाएगा. तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है एक प्लेटफॉर्म हील एंड ये कुछ ब्रांड मार्ट्रू की तरफ से है. जो हील है वो कुछ इस तरीके का है दिखने में. आप देख सकते हो सामने की तरफ आपको यहाँ पे ब्रेड करके स्ट्रैप मिलता है एंड ये ग्रे इन कलर में है. इसमें ही आपको और भी दो कलर ऑप्शन मिल जाएगा. यहाँ पे जो सोल दिया गया है वो भी काफ़ी अच्छा है, ग्रिप अच्छा होगा एंड जो मटेरियल यहाँ पे टोटली यूज़ किया गया है वो वेलवेट है. यहाँ पे आपको मिलता है इलास्टिक जिसकी मदद से आप इसे वेयर कर पाओगे. मेरी जो पैर है वो उतना भी ज़्यादा सुंदर नहीं है, तो मैं उस चीज़ को लेकर कंफर्टेबल नहीं हूँ. इसकी वजह से आपको मैं प्रॉपर वो ट्राई ऑन नहीं दिखा पा रही हूँ, लेकिन हाँ मैं आपको अलग अलग से सभी शूज़ दिखा दे रही हूँ ताकि आप समझ जाओ. तो पहली जो शू है वो है ये एंड अगर मुझसे हो सके तो मैं साइड में पिक्चर प्रोवाइड कर दूंगी. इसकी जो प्राइस थी वो थी जस्ट 349 रुपीज़. अगर आप डेली वेयर के लिए एक कंफर्टेबल हील चाहते हो या फिर अगर आपकी बजट उतना ज़्यादा नहीं है, आप स्कूल गोइंग हो या फिर कॉलेज गोइंग हो, आप डेफिनेटली इसे परचेस कर सकते हो. ये आपके पैरों में बिल्कुल भी पेन नहीं देगा, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है. नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एक मूड से शू बाय किया है एंड मूड एक लंदन की काफ़ी नोन ब्रांड है. अगर आपको नहीं मालूम तो बता दे रही हूँ. तो मुझे इस तरीके की एक बॉक्स में रिसीव हुआ था एंड जो शू है तो वो शू दिखने में कुछ ऐसा है. मतलब इतना ज़्यादा गॉर्जियस लगा मैंने जब इसको देखा था. पार्टी वेयर के लिए तो एकदम ही परफेक्ट है. अगर मैं बात करूँ इस शू की फिनिशिंग की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हील जो है वो कितनी अच्छी क्वालिटी की हील आपको यहाँ पे रिसीव होता है. फिनिशिंग आप देख लो एकदम प्रॉपर है एंड इसकी जो सोल है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी है. यहाँ पे कितना फोकस ले रहा है आई लिटरली डोंट नो, लेकिन सोल जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी है. यहाँ पे आपको बहुत ही थिन सा स्ट्रैप मिलता है एंड इस तरीके की एक डिज़ाइन में तो एक प्रॉपर पार्टी वाला एलिगेंट लुक आपको प्रोवाइड करेगा. इसकी जो प्राइस थी वो 1029 रुपीज़ है. तो अगर आप एक अच्छी क्वालिटी की ब्लॉक हिल में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, मैं कहूँगी कि जितना जल्द हो सके इससे मतलब इसे पिक कर लो. एंड इस तरीके की हील अभी इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इन फैशन है, तो मेरी रिकमेंडेशन में ये सबसे पहले आएगा. ये वाटरप्रूफ भी है, यानी कि अगर आप पानी में भी इसे पहन के चल रहे हो तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा. जो इसकी मटेरियल है वो वही की वही रहेगा. नेक्स्ट मैंने अगेन एक ब्लॉक हील लिया है एंड ये हील कुछ इस तरीके का है दिखने में. ये दो भाई की तरफ से है. आप लोग अगर मेरी हॉल फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि मैंने दो भाई के काफ़ी सारे शूज़ अभी तक लिया है एंड वो शूज़ मुझे अफोर्डेबल बजट में काफ़ी अच्छा लगता है. मतलब सर्विस अच्छा देता है. तो यहाँ पे भी मैंने उतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं किया एंड मुझे एक अच्छी क्वालिटी की शू यहाँ पे मिल गई है. ये ट्रांसपेरेंट ब्लॉक हील है. आप यहाँ पे हील के साइड में भी देख सकते हो. जो चीज़ मुझे बस थोड़ा सा ये लगा, यहाँ पे आप स्क्रू देख सकते हो. इसको छोड़ के लाइक अगर आप बहुत ही ज़्यादा कंसर्न हो अपनी शू की आउटर लुक को लेके, अगर आप शू को इस तरीके से पहनोगे तो नीचे कोई देखने भी नहीं जाएगा. तो उस चीज़ को छोड़ के मैं कहूँगी कि ये एक डेफिनेटली ओड बाय प्रोडक्ट है. इसकी प्राइस थी जस्ट 499 रुपीज़. शायद इस टाइम पे प्राइस बढ़ भी सकता है, लेकिन मैंने जिस टाइम पे लिया था सेल में मुझे ये जस्ट 499 का पड़ा. नेक्स्ट मैंने लिया है ये क्लोर की तरफ से एक ब्लॉक हील एंड मुझे ये हील कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में रिसीव हुआ, प्रीमियम पैकेजिंग लगा। एंड क्लोर भी एक अच्छा खासा नोन ब्रांड है जो आपको प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। तो इस टाइम में मैंने लिया है एक स्नेक प्रिंट ब्लॉक हील, ट्रांसपेरेंट ब्लॉक हील। तो जो शू है वो ऐसा है दिखने में, यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंट स्ट्रैप मिलता है एंड इस तरीके की एक लेस मिलता है जिसकी मदद से आप पूरी शू को टाई अप कर सकते हो ताकि आप इसे आराम से पहन सको। जो ब्लॉक हील यहाँ पे दिया गया है वो तकरीबन 3 इंचेस का तो होगा ही, आराम से 3.5 या फिर 3 उतना ही होगा। तो अगर आप कंफर्टेबल हो हाई हील में, अगेन ये एक मस्ट बाय प्रोडक्ट है। मैंने इसको एक बार वेयर किया था एंड मुझे, मेरी आर्थराइटिस है लेकिन फिर भी ये मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं दिया। सो मैं डेफिनेटली आप लोगों को ये चीज़ रिकमेंड करूँगी। और एक जो बात है, बहुत सारे लोग सोच भी सकते होंगे कि पूजा आपके पैर की साइज़ क्या है। तो मुझे यूके में 7 लगता है एंड वहाँ पे और भी एक साइज़ होता है जहाँ पे मुझे 40 या फिर 41, इट डिपेंड्स। तो इस साइज में मैं आ जाती हूँ। तो नेक्स्ट जो शू है वो है ये, इसकी जो प्राइस थी वो थी 1049 रुपीज़। अगेन मैंने यहाँ पे एक क्लोर की ब्लॉक हील लिया है क्योंकि मुझे इनके जो डिज़ाइन थी वो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। एंड ये एक पूरी ही ट्रांसपेरेंट ब्लॉक हील है। ये चीज़ भी एक टाइम पे बहुत ज़्यादा फैशन में था, लेकिन जब भी कोई भी चीज़ फैशन में रहती है मैं उस टाइम पे नहीं लेती हूँ, मैं बहुत बाद में लेती हूँ, मुझे भी नहीं मालूम क्यों, लेकिन हाँ। तो नेक्स्ट जो हील है वो है ये, बहुत ही क्लासी है। इसकी जो मटेरियल है वो काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की सोल यहाँ पे दिया गया है। ये बेंड भी अच्छी तरीके से होता है। इसकी भी जो प्राइस थी वो थी 1049 रुपीज़। लेकिन अगर आप सोच रहे होंगे कि ये बहुत ही ज़्यादा प्राइसी लग रहा है हमें, तो मैं गाइस एक चीज़ आप लोगों को कह दूँ, अपनी वाटर बॉटल पे एंड अपनी शूज़ पे इन्वेस्ट करना अच्छी बात है। अगर आप ख़राब क्वालिटी की शूज़ वेयर करोगे एंड बेसिकली हील्स, तो पैर में दर्द होगा, आपको चलने में प्रॉब्लम होगी। उससे अच्छा कि आप एक बार ही इन्वेस्ट करो एंड कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करो जो कि आपको लाइफ टाइम सर्विस दे। अभी शूज़ तो लाइफ टाइम नहीं देगा, लेकिन आराम से ये अगर आप डेली वेयर तो कोई नहीं करता, तो 3-4 सालों तक आराम से चल जाता है, आराम से। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैंने सेम क्लॉर से ही सेम ब्लॉक हील को अलग से कलर में लिया है। एंड ये कुछ नियॉन वाला एक फिनिश देता है क्योंकि मुझे इस तरीके का एक चाहिए था, बहुत दिनों से चाहिए था क्योंकि मुझे बहुत सारे ड्रेसेस के साथ पेयर अप करना था, इसीलिए। इसका भी जो प्राइस था वो था 1049 रुपीज़। क्वालिटी अगेन सेम, इसका जो जहाँ पे आप पैर रखोगे वो काफ़ी ज़्यादा नरम है, आपको बिल्कुल भी पेन नहीं होगा, आप कंफर्टेबली वेयर कर पाओगे एंड मोर ओवर ये काफ़ी दिनों तक चलेगा। सो या गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मैंने आज की वीडियो में आप लोगों के साथ फाइनली एक अमेजिंग सा हील हॉल शेयर किया है एंड आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं आप लोगों से मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड स्टे ब्लेस्ड।